सो फाइनली गाइज, रेडमी नोट 8 प्रो स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म हो गई है। दोस्तों ये स्मार्टफोन 16 अक्टूबर को इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों रेडमी नोट 8 प्रो स्मार्टफोन पर हमें 64 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरे का सेटअप मिलता है, 4500 मिली एम्पीयर की बैटरी मिलती है और मीडियाटेक हीलियो G90T का एक पावरफुल चिपसेट मिलता है। तो ऐसे में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये स्मार्टफोन 16 अक्टूबर को किस प्राइस रेंज में लॉन्च किया जा सकता है। अगर दोस्तों आप सबको जानने के लिए इंटरेस्टिंग हो तो बिना स्किप किए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल फोन की स्पेसिफिकेशन से। अगर डिस्प्ले की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें 6.53 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, जिसका रिजोल्यूशन फुल एचडी प्लस रहने वाला है, जहां हमें एक IPS LCD पैनल मिलेगा। वहीं दोस्तों रेडमी नोट 8 प्रो स्मार्टफोन पर हमें एक वाटर ड्रॉप नोज देखने को मिल जाती है। अगर दोस्तों मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस की बात करें तो ऐसे में रेडमी नोट 8 प्रो स्मार्टफोन पर हमें एक पावरफुल चिपसेट मिलेगा, जो रहने वाला है मीडियाटेक हीलियो G90T। यानी कि दोस्तों इस चिपसेट से हमें एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस ले सकते हैं, जहां हमें माली G76 का GPU मिलेगा। और दोस्तों ये चिपसेट एक पावरफुल चिपसेट है। वहीं दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें अलग अलग रैम वेरिएंट्स में देखने को मिल जाएगा, जैसे 6GB 64GB, 6GB 128GB और 8GB 128GB स्टोरेज। अगर दोस्तों मोबाइल फोन के कैमरास की बात करें तो मोबाइल फोन के रियर पैनल पर हमें क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा। वहीं दोस्तों जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का रहेगा, जहां हमें सैमसंग GW1 का सेंसर मिलेगा। सेकेंडरी कैमरे 8 मेगापिक्सल का जो वाइड एंगल सेंसर है, थर्ड सेंसर 2 मेगापिक्सल का है जो एक डेप्थ सेंसर है, और फोर्थ सेंसर भी 2 मेगापिक्सल का मिलेगा जो एक माइक्रो सेंसर रहने वाला है। अगर हम सेल्फी कैमरे की बात की जाए तो मोबाइल फोन पर हमें वाटर ड्रॉप नोच के अंदर 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। ओवरऑल दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक बेहतरीन कैमरे देखने को मिलते हैं। भाई पावर बैकअप की बात की जाए तो मोबाइल फोन पर हमें 4500 मिली एम्पीयर की बैटरी मिलेगी। और दोस्तों ये स्मार्टफोन 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगा, जहां हमें टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों मोबाइल फोन पर सिक्योरिटी के लिए हमें एक फेस अनलॉक और फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर मोबाइल फोन के रियर साइड पर दिया जाए, जिसकी प्लेसमेंट कैमरे के नीचे दी गई है। और दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 9 पाई मिलेगा और MIUI 10 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, यानी कि जो मोबाइल फोन की खुद की कस्टम UI है। तो ऐसे में दोस्तों रेडमी नोट 8 प्रो पर हमें एक अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों सवाल उठता है कि ये स्मार्टफोन इंडिया की मार्केट में किस प्राइस में लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसी प्राइस यानी कि जो 15-16 हज़ार रुपये का प्राइस सेगमेंट है, इस प्राइस में Realme XT स्मार्टफोन भी आता है, जिस पर हमें सुपर AMOLED डिस्प्ले मिलते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और क्वाड रियर कैमरे का सेटअप मिलता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कंपटीशन को देखते हैं, Redmi Note 8 Pro स्मार्टफोन के प्राइस हमें 15,000 रुपए देखने को मिले, यानी कि 14,999 रुपए में हमें 6GB RAM प्लस 64GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कि 16 अक्टूबर को यह स्मार्टफोन किस प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। तो अगर दोस्तों आपके वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।